गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। 6 बज रहा है। व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि एक खुशखबरी है, मेरे बाबू को डिस्चार्ज मिल रहा है, लेकिन एक दुख खबरी भी है साथ में। जाने के टाइम पे उनको बुखार आया है। अभी ऐसे ही नाटक करेंगे, मेरे को डर लग रहा है। क्या हुआ? ठंडी लग रही है। तो अभी घर पे जाने के बाद अगर ऐसे परेशान नहीं करेंगे घर पे? डिस्चार्ज है उनका, अभी उनकी दवाइयाँ यहाँ पे लाई हुई है, जो बच्ची कुछ हॉस्पिटल की दवाइयाँ थी वो लेके जाके अभी डिस्चार्ज की दवाइयाँ ला के डॉक्टर ने यहाँ रखे है। अभी बस डिस्चार्ज प्रोसीजर चालू है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, जो भी लगेगा। बस यहाँ से जाने के बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट घर पर मिलूंगी। बस खाली इनको देखो, ऐसी हरकत रहेगी तो मेरे को डर लगेगा। अब एकदम डिस्चार्ज के टाइम पे उनको बुखार आ रहा है, डरने वाली बात है ना। घर पे जाके अगर ऐसा करेंगे तो क्या करूँगी? बाकी सब ठीक है ना? बाकी सब दर्द दर्द तो कुछ नहीं हो रहा ना? दर्द दर्द तो है नहीं, उनको बोल रहे हो खाली ऐसी बुखार चढ़ गया, थोड़ा ठंडी लग रही है, फैन भी बंद करवाया उन्होंने। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये सब दवा। ये क्यों दिया है? पेट्रोल निकालने का काम आएगा। ये उनको पंप के लिए लगाते थे ना, तो अभी वो घर पे भेज रहे हैं, कभी जरूरत पड़ी तो यूज कर सकते हैं ना। कैसे यूज करेंगे, अपने पास मशीन थोड़ी ना। तो ये क्या काम आएगा पता है? पेट्रोल निकालने बाइक से। अरे ये कॉटन मंगाया था इन लोगों ने, तो अभी इतना सारा बच गया, तो मैं इसको घर पे लेके जा रही हूँ। बहुत काम आता है इतना सारा, घर पे छोटी छोटी चीजों के लिए लगता है लेकिन मिलता नहीं है ना। तो मैं क्या, उन लोग ने खुद दिया है, पेड़ किया है उसका मैंने, 350 रुपये। 350? हाँ वही 250। ग्लव्स भी था ना साथ में, 350 रुपया। ठीक है, तो ये सारी दवा बताई ना मैंने अभी। बस अब मैं इनको लेके जाऊंगी यहाँ से उड़न छू घर पे मिलती हूँ मैं। हाँ बीच में कुछ अगर बताने लायक रहा तो जरूर बताऊंगी। ओके मैंने 6 बजे आप लोगों से बात की थी, कितना? 6 बजे डिस्चार्ज के नाम पर खुश हो गई थी। कितना टाइम बज रहा है पता है? कितना मैं बता देती हूँ आप लोगों को, बोलू क्या? ये देखिए 1:30 बज रहे रात के, अब भी डिस्चार्ज करवा के इनको मैं घर पे लेके आई हूँ अब भी, और उज्मा को भी लेकर आई हूँ साथ ही साथ। ठीक अंधी लड़की, ठीक ठीक निकल हाथ निकल जल्दी से, ठीक अंधी। तो डिस्चार्ज मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं पाई, डिस्चार्ज हो गया उनका, 6 बजे से डिस्चार्ज होएगा कर रहे थे। फिर तू तेरी गलती चले करने लगा चोटू के घर ना में, और मेरे बाबू बोलो ले आ गया बैग, कुछ बैग बुक नहीं। अभी हकीकत बताऊंगी तो आप लोग बोलेंगे काई को आए, सच्ची में है ना। मैं सोची थी बाबू मैं भी थका हुआ हूँ, तुम्हारे ना ऐश्वर अब चालू हो गए, नहीं तो क्या। और क्या चाहिए? अभी पता है मैं किचन में जा रही, क्या बोल रही थी मैं भूल गई। हाँ मैं अभी आई 1:30 बजे इनको लेके, मैं सोची थी कि मैं खुश हो जाऊंगी घर पे, इनको डिस्चार्ज मिलेगा तो, पर मैं खुश नहीं हूँ। सोचो क्यों? क्योंकि आने के बाद और मसला बढ़ गया है। अभी बाबू को पता है रोज 3 इंजेक्शन वो स्लाइन से हॉस्पिटल जाके लगवानी है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, वो हॉस्पिटल ही समझ में नहीं आया। अभी मैं कल दूसरी जगह पे इनको भेजने के, मैं खुद भी जाऊंगी देखने के लिए क्या हुआ है उनको एग्जैक्टली। अभी वो 3 दिन क्यों लगाना है स्लाइन, एंड टाइम पे बोलते डिस्चार्ज मत लो। मेरे वो हॉस्पिटल समझ में नहीं आया, एक के बाद कुछ ना कुछ बता रहे थे लोग, तो मैं उनको उठा के लेके आ गई वहां से। 1:30 बज रहा रात के, देखो मैं यहाँ क्या करूँ। अरे कहाँ चाय चढ़ाई हूँ, अभी चढ़ाने जा रही हूँ खिचड़ी। मैंने इस बारे में ना विस्तार में आप लोगों को बताऊंगी क्यों मैं बाबू को लेकर आके भी इतनी हैप्पी नहीं हूँ, थोड़ा टेंशन है अभी भी। सो बैटरी लो हो रही है, मैं उसको पहले चार्जिंग पे चढ़ाती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ।
तो गाइज यहाँ पे मैं वही सादी खिचड़ी बना रही हूँ। सादी नहीं, टमाटर डालूंगी आज मैं, लेकिन क्या थोड़ा पतला करूँगी, बहुत पतला करूँगी, नहीं तो डाँटी पड़ती है। उस दिन मैं हॉस्पिटल लेके गई तो कितना डाँटी पड़ी मुझे, कैसी बनती है खिचड़ी। हॉस्पिटल का खा खा के ना उनको हॉस्पिटल की ही खाने की आदत हो गई है, मेरे हाथ का खाने में भी उन नाम निकल रहे। इतनी कड़क खिचड़ी, जबकि देखे थे आप लोग कितने सॉफ्ट बनाई थी। तो आज मैं एकदम पतली दाल की ऐसी खिचड़ी बना रही हूँ। तो बस अभी मैंने क्या डाला है, ज़ीरा, बस खाली आज मैंने ज़ीरा डाला है, मिर्ची नहीं डाली है, और कांदा डाला है, और फिर अदरक लहसुन। फिर अदरक लहसुन को भुनने के बाद हल्दी डालूंगी, हल्दी डालने के बाद ये टमाटर डालूंगी बस। और फिर उसके बाद पानी डाल के उसके अंदर चावल डाल के उसको 4 सीटी कर दूंगी। चावल मेरे नहीं गलते हैं, गलते हैं मतलब अक्खे कोलम चावल है ना, और वो हॉस्पिटल वाले तो कनी वाले चावल रहते हैं, तो वो जल्दी से घुट जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या खा रहे, दाल खा रहे ऐसा लगता है। तो वैसी आदत हो गई उनको। और यहाँ पे मसाले के डब्बे में नमक ख़त्म हो गया था, तो मैंने नमक निकाला है अभी। अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं डाला, सिर्फ टमाटर डाला है, पकी नहीं खिचड़ी। थक गई हूँ मैं अभी, पता है रात में अभी कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, थक गई हूँ। मेरी भी हालत ऐसी है ना कि बस मुझे बिस्तर चाहिए, लेकिन क्या करूँ, अभी बाबू की तबीयत इतनी ख़राब है कि अपना दर्द भूलना ही पड़ रहा है। यहाँ तक कि पता है आप लोगों को, मुझे जो डॉक्टर ने बोला था ना कि आपका दांत के वजह से आपको सेक लेना है, भाप लेनी है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी रिपोर्ट भी आके पड़ी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मुझे साइनस हुआ है, तो मैंने उसका तक के अपना ध्यान नहीं दिया, दवा भी नहीं खाई, दवा ला के ऐसी रखी हुई, कहाँ याद है यार, अपने को खाने को टाइम नहीं मिल रहा है, दवा वगैरह कहाँ। अब तो आज तो मेरा इतना दिमाग ख़राब है ना डॉक्टर लोग पे, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। चलो अभी ये खिचड़ी को सीटी लगाती हूँ गली, तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं घोट दूंगी, मेरे को पता है डैम श्योर ये नहीं होने वाली है, अब इसको घोटना ही है मुझे। चलो देखते हैं। की सीटी निकाल दी, नहीं बर्दाश्त हो रहा, अभी बहुत जोर की भूख लग रही है। मैंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, रात के 2 बज रहे, वही दोपहर में जो मैंने खिचड़ी खाई थी, और अभी मुझे भी ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा उनके हिसाब का। उनको हॉस्पिटल में खा खा के ऐसे खाने की आदत हो गई, और डॉक्टर ने भी बोला है थोड़ा सादा ही खाना खाओ, तो अभी मुझे ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा कुछ दिन तक के, और मुझे भी यही खाना पड़ेगा। नहीं होता मेरे से ऐसा खाना पेट भर के खाना है, लेकिन अभी खाना तो बाबू के लिए प्रोटीन मिल्क बना रही हूँ, लेकिन दूध बहुत कम है, घर में दूध नहीं था, और रात के 1:30 बजे हम लोग आए ना तो दुकानें सारी बंद हो गई थी। हम लोगों के घर पे 12 साढ़े 12 बजे लास्ट दुकान बंद हो जाती है, तो लेकिन ये प्रोटीन भी देना उनको ज़रूरी है, तो जितना दूध था बस मैंने उसमें प्रोटीन पाउडर मिला दिया, अब मैं उनको दे देती हूँ, पी लेंगे और दवा खा लेंगे। गुड मॉर्निंग।
आज है ट्यूसडे, नेक्स्ट डे। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था कल यानी मंडे के दिन शाम के 6 बजे कि मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज हो रहा है। बड़ी खुश थी ना मैं कि मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज हो रहा है। बट डिस्चार्ज होते होते जैसे कि आप लोगों ने देखा रात के 1 बजे 2 बजे घर पे आ सकते, खाए पिए सके 3 बजे, थक गई थी मैं तो सो गई, आप लोगों से बात करने नहीं मिला। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं क्योंकि लेट हो गया, मैं सुबह सुबह ही आप लोगों से बात करने वाली थी। बाबू को मैंने वहाँ से लिया तो डिस्चार्ज तो करवा लिया लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं थी, वही वजह मुझे आप लोगों को बतानी है, बताती हूँ मैं टीवी का वर्जन। डिस्चार्ज के वक्त उन लोग ने ना 1-2 दिन पहले बोला कि अब सब सही है, अब सब सही है, बोले ऑपरेशन भी सही है, टाइफाइड भी सही है, निमोनिया भी सही है, सब सही है बोल रहे थे, दोपहर तक के सब सही है बोल रहे थे। उसमें दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, अपने को घबराहट हो रही है, सांस नहीं आ रही है मेरे को, जल्दी दरवाज़ा खोलो, खोलो जल्दी जल्दी, हाँ खोलो जल्दी से, खोलो पूरा, खोलो पूरा पूरा खोलो। कैसा बोली सांस नहीं आ रही तो कैसा खोली वो दरवाजा ऐसा। तो है ना कल क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है करके, मत बंद करो बेटे, मत बंद करो, मैं बात कर रही नहीं, यहाँ बैठ जाओ। तो मैं बड़ी खुश हो गई थी शाम के वक्त भी, मैं बहुत खुश थी, लेकिन अचानक से 8 बजे पता है आप लोगों को 15 दिन में एक तो उन लोगों का 3 लाख का बिल बन गया। पापा खोल दो ना, ऐसा करेंगे ना, मैं बात नहीं करेगी तुमसे, खोल दो दरवाज़ा। तो 3 लाख का बिल बना दिया लेकिन बापू अभी तक के ठीक नहीं है, तकलीफ होगी ना मुझे, कितनी सोच सोच के टेंशन हो रही है कि मतलब पैसा तो खर्चा हुआ ही हुआ लेकिन बाबू अभी तक ठीक नहीं हुआ बोल रहे, लेकिन दोपहर तक के सब बोल रहे थे ओके 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 सब सही है। जैसे इंश्योरेंस पास हुआ 2 लाख का, 2 लाख का इंश्योरेंस था इंश्योरेंस कंपनी से, मेडिक्लेम था, 2 लाख वहां से पास हुआ, 90,000 हमसे मांगे गए। उसके बाद बोला जा रहा है कि बंदा अभी तक के फिट नहीं है, बोले उसके पेट में, एक डॉक्टर बोलता है सीने में पानी है, एक डॉक्टर बोलता है पेट में पानी है, फुल कंफ्यूज करके रखे। क्या जो ऑपरेशन किया वो बोलता है कि पेट में थोड़ा, वो पेट में थोड़ा पानी है, और जो हॉस्पिटल का ओनर है वो बोलता है सीने में थोड़ा पानी है, जबकि दोपहर के वक्त पे सीने वाले डॉक्टर ने भी क्लियर कर दिया था कि फेफड़ों में अभी पानी नहीं है, और ऑपरेशन वाले डॉक्टर ने भी 1 दिन पहले क्लियर किया था कि अभी उसमें कुछ नहीं है, सब ठीक है ओके। एकदम डिस्चार्ज के टाइम पे क्लेम पास होने के बाद पैसा सब आ गया वहां से और सब कुछ हो गया, डिस्चार्ज के लिए हम लोग रेडी है, और तब बोला जा रहा है कि बंदा भी डिस्चार्ज पे नहीं जा सकता, लेके जाना है तो अपने रिस्क पे लेके जाओ। मतलब इससे तो सीधे सीधे यही बात साबित होती है ना कि वो लोग और लंबा बिल बनाना चाहते हैं कि पैसा अब इतना खासा अच्छा आ गया है लोगों के पास से, तो और लोगों को यहाँ पे अटकाया जाए तो और अच्छा पैसा आ सकता है, एक ये भी बात हो सकती है। और दूसरी फिर एक शंका रह जाती है मन में कि यार मैं अपने रिस्क पे लेके जा रही हूँ, मेरे बाबू को अगर कुछ हो गया खुदा ना खास्ता घर पे जाके, तो ये डराना, ये डॉक्टरों का काम कभी बंद नहीं होगा। मैं सही बोलती थी कि मुझे डॉक्टर लोग पर ट्रस्ट ही नहीं है, मैं खुद इतने दिन से बीमार रहती थी लेकिन मैं नहीं जाती थी डॉक्टर के पास, क्यों पता है, क्योंकि मुझे इन लोग पर विश्वास नहीं है। चेकअप कराना चाहिए, अपनी सेहत का इलाज कराना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन है ना मुझे डॉक्टर लोग पर विश्वास नहीं रहा। तो अभी सुबह सुबह बाबू को वहां से रात को वहां से लेके आई एक ही कंडीशन पर, मैंने पेपर पर साइन किया मैं अपने रिस्क पर लेके जा रही हूँ, और ये भी बोल के आई हूँ कि 15 दिन यहाँ रख के 3 लाख रुपए जो आप लोगों ने लिए ना उसके बाद जो भी एक एक पेपर की रिपोर्ट मुझे चाहिए, और ऊपर से लोगों ने रिपोर्ट भी नहीं दिया, बोलते कि ना आप ये क्या बोलते हैं 2-3 दिन के बाद आएंगे ना चेकअप के लिए तभी हम लोग रिपोर्ट देंगे। मैंने ये कौन सी बात हो गई आप लोगों की कि रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हो और पेपर पे साइन करा के भी ले रहे हो कि मतलब आपके बंदे को आप अपनी मर्जी से लेके जा रहे हो। मुझे गुस्सा आया लेकिन बाबू ने बोले कि नहीं बच्चे जाने दे, अभी यहाँ पे कुछ बोल के कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने सारे एक एक चीज़ों का ना पेपर ले आपका फोटो ले ली, और अभी उनको ना कोई दूसरे डॉक्टर के पास भेजी उनके दोस्त के साथ, मैं बोली थी मैं चलती, तो बाबू बोले तू मत आ, कहता है ना मैं जाऊँगी तो फिर बातें बढ़ाती हूँ मैं डिटेल में घुसने की मुझे आदत है, क्योंकि अकेले रहते हैं यार, कुछ कम ज़्यादा हो गया तो फिर क्या, पूरी नॉलेज होना चाहिए। लेकिन फिर भी बाबू नहीं लेके जा रहे थे, तो वो उनके दोस्त उनके साथ गए हॉस्पिटल, अभी गए, फिर वहाँ पे जाके अभी देखते हैं वो डॉक्टर क्या बोलते हैं। अभी पता है वहाँ से डिस्चार्ज 3 लाख होने के बावजूद भी, हाँ 2 लाख वहाँ से आने के बाद, 90,000 हमसे लेने के बाद भी अभी क्या बोलते पता है, बंदे को अगर आप अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो ना तो दिन में उनको 3 टाइम इंजेक्शन लगेगी 3 दिन के लिए, और उसके बाद फॉलोअप के लिए आपको तीसरे दिन ही आना है, और 3 टाइम मतलब 1 दिन ना उनको ना 12,000 की इंजेक्शन, मतलब जो 3 टाइम की इंजेक्शन लगने वाली है ना 12,000 की, मतलब 1 दिन का 12 और 3 दिन के सम पकड़ लो जोड़ लो, और उसके बाद 4th दिन यहाँ पे आना है, और अगर पानी फिर भी कम नहीं हुआ तो हम लोग उनको वापस से ऑपरेशन करेंगे। अरे इंसान है कि क्या दिख रहा है, गोभी आलू दिख रहे, चिरफाड़ करे जा रहे, पता है 4 चीरे आए उनके पेट पे, 4 चीरे मतलब 1-2 कैमरे के
एक वो अपेंडिक्स के लिए जो काटा था जहां से वो सारा बड़ा ऑपरेशन किया गया है, एक वो है, और एक पाइप की नली का जो चीरा है वहां पे से वो है, और अभी पांचवा और करने के लोग इरादे में कि बंदे को ना ऐसे जकड़ लो कि बंदा जा ही ना पाए, और जाते जाते भी उन लोगों ने 5,000 की 5,500 की इंजेक्शन लगवाए, और वो इंजेक्शन हम लोगों को बोला गया नॉर्मली लगा लो, और वहां पे वो लगाने के बाद रात के 12 बजे जब वो इंजेक्शन लगाई गई ना तो बाबू को उठने की हालत नहीं थी, मतलब कैसे भी करके वो हम लोग को बांध के रखना चाह रहे थे कि बंदे के अंदर ताकत ही ना हो, वो घर ही ना जा पाए, इसलिए मैं वहां से तुरंत ही निकली, लेकिन घर पे आने के बाद फिर भी मैं खुश नहीं थी, पति तो घर पे आ गया लेकिन फिर भी खुशी नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था वो हॉस्पिटल, परसों तक मुझे पूरा विश्वास हो रहा था लोग का खर्चा हो रहा है पैसा जा रहा है, कोई मत मुझे बुरा नहीं लग रहा था, जान दो मेरा आदमी ठीक हो रहा है, मेरे आदमी ठीक हो रहा है, यही था, लेकिन एकदम अचानक से एकदम अच्छा खासा इंसान को दवाइयाँ चेंज कर दी गई और अचानक से मेरे आदमी वीक हो गया, फिर से फीवर आने लग गया, तो मेरा पूरा भरोसा टूट गया, मैंने वहां से उठाई अपने हस्बैंड को और फिर मतलब लेके तो वैसे भी जाने वाली थी मैं कल क्योंकि वो अच्छे हो गए थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने इंजेक्शन का नाम लिया ना वैसे मैं समझ गया अब बस हो गया, मतलब इन लोग खाली पत्ते बना रहे, तो मैंने वहां से बाबू को लेके आ गई, अभी वो गए दूसरे डॉक्टर के पास, देखो अभी वो आएंगे तो क्या बोलते हैं, क्या बोला वो डॉक्टर, क्या वो इंजेक्शन लगाना सही में जरूरी है 3 दिन, क्या वो जो थोड़ा सी पानी है पेट में, पानी ज्यादा नहीं है पेट में, दवा खाएगी तो सूख जाएगा, थोड़ी थोड़ी जगह पे अगर वो निकलता होता ना ज्यादा होता ना तो लोग निकाल लेते पहले, जैसे सीने का निकाले, वो थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़ा थोड़ा पानी है बस, लोग है ना बोलते हैं कि बढ़ सकता है उसको निकालना पड़ेगा, डराने वाले काम हो रहे बस यहाँ पे, जबकि पहले उन लोगों ने खुद ने कमिटमेंट किया था परसों शाम को कि दवा से ये चला जाएगा, पहले पेशेंट को खुश कर दिए, पैसे वैसे ले लिए, और एकदम डिस्चार्ज के टाइम पे एंड पे बोलते हैं कि बंदे को और रहने दो यहाँ पे 1 हफ्ता और फिर बाद में हम लोग इनको अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, तो फिर तुमने क्लेम व्लेम क्यों पास करवाया, फिर क्यों लिए तुमने 2 लाख वहां से और पैसे हमसे, अकेले डिस्चार्ज के लिए खड़ा की क्यों, हाँ बोल रहे 2 दिन से सब लोग बोल रहे कि डिस्चार्ज दे दो, क्या करने का, किस पे भरोसा, क्या करने का किस पे नहीं, अभी तो बाबू गए हैं कराने के लिए, मेरा मूड खराब हो जा रहा है हॉस्पिटल के बारे में, जब भी सोच रही ना मेरा मूड खराब हो रहा है, आपने देखा मैं इतने दिन से टेंशन में थी क्या मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में वगैरह, टेंशन की बात यह है कि 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी अभी भी वो परफेक्ट नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ चीरफाड़ करना बाकी है डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर बोल रहा है, इसलिए मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा डॉक्टर, मेरा दिमाग इतना खराब था ना कि कल मैं सच में कुछ मेरा उल्टा ही हो जाता, मैं बहुत 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 ज्यादा गुस्से में थी कल, फिर भी चलो अभी खैर वहाँ का सोचते साथ ही दिमाग खराब हो रहा है, अभी बाबू दूसरे डॉक्टर के पास गए, देखो अभी क्या बोलते हो, वो मैं दूसरे ब्लॉग में ऐड करूंगी, ये ब्लॉग को मैं यहीं पे ऐसे ही सेंड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए बाबू घर पे आ गए, और फिर भी मैं खुश नहीं हूँ यार, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है चलो अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, और मैं पसंद आती हूँ या मेरी बच्ची या मेरी फैमिली पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है पापा अल्लाह हाफिज़ बोलो, टाटा कर दो, टाटा बाय बाय, कर दो पप्पी, दे दो पप्पी, दो ना बाबा पप्पी दो, अच्छा बाय, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो सलाम, चलो गाइस मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, ओके बाय 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 बाय, ठीक है।